दिल्ली में चुनावी हार पर पहली बार बोले अमित शाह, कहा नहीं देना चाहिए था गोली मारो और भारत पाक मैच जैसा बयान। अमित शाह ने कहा बीजेपी ने इस तरह के बयानों से खुद को कर लिया अलग, फिर भी संभव है कि इस तरह के बयानों से हुई हो हार। सीए पर खुलकर बोले अमित शाह, कहा सीए ना तो मुसलमान विरोधी और ना ही ये गैर अल्पसंख्यकों के खिलाफ। दिल्ली में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे अमित शाह, सभी मुद्दों पर रखा पक्ष, कहा हमने धर्म के आधार पर कभी भी किसी से नहीं किया भेदभाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हार के बाद भी नहीं छोड़ा शाहीनबाग का मुद्दा, कहा एक चुनाव के वोट को लेकर नहीं कर सकते किनारा। शाहीनबाग बड़ा मुद्दा है, आप एक चुनाव के वोट को लेकर शाहीनबाग को किनारा नहीं कर सकते। दिल्ली में हार पर गौतम गंभीर का दो टूक, कहा मेरे साथ साथ दिल्ली के सभी सांसद जिम्मेदार, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल की जीत पर गौतम गंभीर का तंज, कहा हम दिल्ली को लाचार नहीं सक्षम बनाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस की हार पर दिग्विजय सिंह का बयान, कहा बीजेपी को हराने के लिए अपना वोट बैंक दूसरे को शिफ्ट किया। कि भाजपा जो कि सरकार बनाने का दावा कर रही थी उसके खिलाफ लोगों ने नाराजगी प्रकट की है और पूरा कांग्रेस का वोट भी भाजपा को हराने में लग गया। दिल्ली के शाहीनबाग में 61वें दिन भी जारी है नागरिकता कानून के विरोध में धरना, छोटे बच्चे भी प्रदर्शन का हिस्सा। शाहीनबाग में प्रदर्शनकारियों ने वैलेंटाइन डे को बनाया विरोध का जरिया, लिखा मोदी तुम कब आओगे। सरकार से बात नहीं हो पाने को प्रदर्शनकारियों ने बताया वजह, पीएम मोदी को शाहीनबाग आने का दिया न्योता। गाजीपुर में नागरिक सत्याग्रह यात्रा पर निकाले पर 10 गिरफ्तार, सीए एनआरसी के मुद्दे पर शांति भंग का अंदेशा। दिल्ली के बाद पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, पार्टी को मजबूती देने के लिए पंजाब जा सकते हैं केजरीवाल। दिल्ली में जीत के बाद देश भर में होगा आम आदमी पार्टी का विस्तार, कहा विकास की सियासत पर होगा जोर। बंपर जीत के बाद बुलंद है आम आदमी पार्टी के हौसले, कहा देश में जहां मौका मिलेगा वहां लागू करेंगे दिल्ली का मॉडल। मुझे लगता है कि यही सही मॉडल है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि 100 यूनिट बिजली वो भी फ्री देंगे। आम आदमी पार्टी की जीत से दिल्ली बीजेपी में हड़कंप लगातार जारी है, पार्टी के आला नेताओं की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले मनोज तिवारी, करीब 2 घंटे तक दिल्ली में हार को लेकर हुआ चर्चा। आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी बीजेपी की मैराथन बैठक, दिल्ली में हार को लेकर जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेंगे पार्टी के नेता। फिलहाल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के पद पर बने हैं मनोज तिवारी, पार्टी की हार के बाद की इस्तीफे की पेशकश। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बनने की खबरों पर गौतम गंभीर की दो टूक, अगर बीजेपी आलाकमान देगा प्रस्ताव तो करूंगा विचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा हिंदुओं को जबरन बनाया जा रहा है, ईसाई धर्मांतरण रोकने के लिए बने कानून। लोग हमें कोई ईसाई बनाना चाहते जबरदस्ती, कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा, देश को जरूरत है एक कानून बनाने। मोदी पर कांग्रेस का बड़ा हमला, पीएल पुनिया ने गोडसे से तुलना की, कहा प्रधानमंत्री ने की संविधान की हत्या। तो नाथुराम गोडसे ने भी सबसे पहले गांधी जी के पहले पैर छुए थे और उसके बाद गोली मारी थी, तो इनकी पुरानी परंपरा है, इसमें मत जाइए। कांग्रेस ने बीजेपी पर भी किया धारदार हमला, कहा इसे अपना नाम कर लेना चाहिए नाथुराम गोडसे पार्टी। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी का पलटवार, कहा यह महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं। विश्व भारती पुरस्कार को खत्म करेगी योगी सरकार, इसके जगह राज्य स्तरीय सांस्कृतिक पुरस्कार होगा शुरू। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कमलनाथ सरकार को चेतावनी, कहा घोषणा पत्र का हर वादा पूरा नहीं हुआ तो सड़क पर उतरूंगा। अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। कोलकाता मेट्रो में जुड़ी सियासत की बोगी, उद्घाटन में नहीं मिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न्योता, टीएमसी ने जताया विरोध। कोलकाता को मिला नया तोहफा, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई मेट्रो रेल को दिखाई हरी झंडी, बाबू सुप्रियो भी रहे मौजूद। उद्घाटन के बाद दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने की मेट्रो की सवारी, पीयूष गोयल और बाबुल सुप्रियो ने की निर्माण कार्य से जुड़ी टीम की तारीफ। जम्मू कश्मीर में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 मार्च से 8 चरणों में होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर में विदेशी राजनयिकों के दौरे का दूसरा दिन, श्रीनगर में सेना के वरिष्ठ अफसरों से की मुलाकात। 17 फरवरी को बीजेपी में होगा बाबूलाल मरांडी की पार्टी का विलय, रांची में मौजूद होंगे गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। राम मंदिर ट्रस्ट की दावेदारी में नया विवाद, निर्मोही अखाड़े ने 7 पंचों को ट्रस्ट में शामिल करने की मांग की।
19 फरवरी को ट्रस्ट की पहली बैठक में अपना प्रस्ताव पेश करेगा निर्मोही अखाड़ा। पीएम को भी पत्र लिखकर अपनी मांग की देगा जानकारी। आज पुलवामा हमले की पहली बरसी, पूरा देश पुलवामा के शहीदों को कर रहा है याद। एक साल पहले हुए आतंकी हमले में 40 जवानों की हुई थी शहादत, लतपुरा में शहीदों की याद में स्मारक का उद्घाटन। उधम सिंह नगर में युवाओं से शहीद दिवस मनाने का किया गया आह्वान, शहीद स्मारक पर मोमबत्ती और दिए जलाकर दी जाएगी श्रद्धांजलि। पुलवामा हमले की बरसी पर धौलपुर में हमारा देश हमारे जवान संस्था पहुंची शहीदों के घर, शहीदों के परिवार से मिलकर उन्हें नमन किया। देश में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में मदद पहुंचाने के लिए वायुसेना की मुहिम, निजी कंपनियों के ड्रोन का कर रही ट्रायल। निर्भया के दोषियों को डेथ वारंट जारी करने पर फिर टला फैसला, पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। निर्भया के दोषी विनय शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को देगा फैसला, अलग अलग फांसी की मांग पर भी होगी सुनवाई। दोषियों के लगातार चल रही फांसी से निर्भया की मां निराश, 17 फरवरी को डेथ वारंट जारी करने की जताई उम्मीद। निर्भया को इंसाफ देने के लिए वकीलों और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, दोषियों को जल्द फांसी की मांग की। उमर अब्दुल्ला की बहन ने भाई की आजादी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, आज होगी सुनवाई। गार्गी कॉलेज में हुए छेड़खानी केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो और आरोपी हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मंत्री का साफ सफाई के संदेश का वीडियो वायरल, खोमचे वालों को दिया सफाई ज्ञान। पाकिस्तान से करीब 100 हिंदुओं का एक जत्था देर शाम पहुंचा भारत, कहा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को जीना हुआ दूभर। प्याज के बड़े दामों पर सपा का अनोखा प्रदर्शन, सड़क पर चूल्हे में रोटियां सेक कर जताया विरोध। सामने आया लखनऊ के कोर्ट में देसी बम फटने का सीसीटीवी फुटेज, धमाके के बाद मची अफरातफरी। कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार ने बनाया जीओएम, बीमारी से बचने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर निगरानी रखेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक, चीनी यात्रियों के वीजा को अस्थायी तौर पर निलंबित करने का फैसला। 21 हवाई अड्डों, समुद्री पोर्ट्स और बॉर्डर एंट्री पर यात्रियों की स्क्रीनिंग, 24 घंटे सक्रिय रहने वाला कंट्रोल रूम भी शुरू। केरल में भर्ती कोरोना के 3 मरीजों में एक की हुई छुट्टी, 15,000 से ज्यादा लोग अब भी डॉक्टरों की निगरानी में। जापान बॉर्डर पर मौजूद लग्जरी क्रूज शिप पर भी कोरोना वायरस का कहर, शिप में मौजूद 219 यात्री पाए गए पॉजिटिव, 2 भारतीय भी संक्रमित। चीन में कोरोना वायरस ने मचाई तबाही, 24 घंटे में 250 लोगों की गई जान, अब तक 1400 लोगों की मौत। चीन में 48,000 पर पहुंचा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, मेडिकल निगरानी में है 2 लाख से ज्यादा लोग। प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा विजय माल्या, माल्या की भारतीय बैंकों से अपील, कर्ज की 100% मूल राशि तुरंत ले वापस। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल कर लौटे रवि बिश्नोई का जोधपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत, वर्ल्ड कप में झटके 17 विकेट। सुरेश रैना ने महेंद्र सिंह धोनी को बताया भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ कप्तान, कहा धोनी ने भारतीय क्रिकेट को बदल डाला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। नवी मुंबई के केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा के समृद्धि अपार्टमेंट्स में आग लगने से अफरातफरी, घर में रखे फर्नीचर समेत कीमती सामान जलकर खाक। छपरा में सांपों से प्यार करने वाला अनोखा परिवार आया सामने, 2 साल की बच्ची भी जहरीले सांपों से खेलती दिखी। लखनऊ में यूपी पुलिस ने चलाया अभियान, देर रात सड़कों पर जश्न मनाते युवकों को दबोचा। हाजीपुर में डांस पार्टी में दबंगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, ग्रामीणों के मना करने पर कर दिया हमला। फायरिंग के दौरान डांस करती लड़की डरकर भागी, पुलिस के आने पर दबंग वहां से भागे। पुणे में एक स्कूल के अधिकारी पर यौन शोषण का आरोप, 11 आदिवासी छात्रों ने दर्ज कराया केस। पंजाब सरकार की ओर से बसों में अश्लील गाने बजाने पर रोक, बरनाला में बसों की चेकिंग के दौरान अश्लील गाने बजने पर कटा चालान। नवासा में प्रेमी युगल ने लिपटकर ट्रेन से कटकर दी जान, परिवार ने कहा प्रेम प्रसंग की जानकारी नहीं। नोएडा सेक्टर 12 में बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर की लूटपाट, विरोध करने पर दुकानदार को मारी गोली। ज्वेलरी और कैश लूट के फरार हुए बदमाश, मौके का जायजा लेने पहुंचे कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक सिंह। दिल्ली के सागरपुर में स्कूटी सवार 3 लड़कों ने बाप बेटे को मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर। बैतूल में पुलिसकर्मियों की कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। अहमदनगर में पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की, अवैध संबंध पर विरोध करने के लिए दी सजा। महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक कुएं से 2 लाश मिलने से हड़कंप, मां और बेटी की थी लाश। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दुकान से नौकर ने चुराए कई LCD TV, पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार कर 7 TV के बरामद।
अभियान में सैकड़ों पक्षियों और राष्ट्रीय पक्षी मोर को पालने का शौक पड़ा भारी। अधिकारियों ने छापा मारकर दर्ज किया केस। वैलेंटाइन डे से पहले हाजीपुर में पुलिस ने होटलों में मारे छापे गए प्रेमी जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में पुलिस ने पकड़ा। वैलेंटाइन डे के मौके पर वाराणसी में सजा बाजार, फूल खरीदते दिखे युवा। देवबंद के उलेमा ने मुस्लिम युवाओं से वैलेंटाइन डे नहीं मनाने की अपील की, कहा इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, पूरे इलाके में जमी बर्फ की मोटी चादर। उत्तरकाशी में धराली हाईवे पर ग्लेशियर आने से सड़क मार्ग हुआ बंद, राहगीरों को काफी मुश्किल। रामगढ़ में बांध टूटने से कई घरों में घुसा पानी, लगभग आधा दर्जन घर तालाब में पानी में डूबा। उत्तराखंड के खटीमा में जल जमाव से जूझ रहे ग्रामीण, सड़कों और गलियों में सड़ रहा नदी से आया हुआ पानी। आयुष्मान भारत के तहत अब लाभार्थियों को होगा फायदा, बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए 15 लाख रुपए की मिलेगी आर्थिक मदद। मोदी सरकार ने घरेलू रसोई सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर किया दोगुना, हर एक सिलेंडर पर मिलेगी 291.48 रुपए की सब्सिडी। जेपी बिल्डर को झटका, यमुना प्राधिकरण ने वापस ली 20,000 करोड़ की जमीन। होंडा ने जारी किया अपनी नई कार नेक्स्ट जनरेशन सिटी सेडान का टीजर, अप्रैल 2020 में हो सकती है लॉन्च। जगुआर लैंड रोवर ने लॉन्च की नई डिस्कवरी स्पोर्ट एसयूवी, मिलेगी 4G वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा। सीरिया के बॉर्डर पर टर्की ने बढ़ाई अपनी सैन्य ताकत, बॉर्डर पर तैनात किए सैकड़ों टैंक। अंटार्कटिका में तापमान बढ़ने से ग्लेशियर्स का पिघलना जारी, समुद्र में तैरते दिखे बर्फ के विशाल कई टुकड़े। खुल गई इराक की राजधानी बगदाद की सारी सड़कें, विरोध प्रदर्शन के दौरान ये प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर रखे थे पत्थर। कैलिफोर्निया में ग्री व्हेल के साथ सेल्फी लेते नजर आए कुछ लोग, समंदर में सैर के दौरान नाव के करीब आई व्हेल। सिंगापुर एयर शो के दूसरे दिन लड़ाकू विमानों ने दिखाए हवाई करतब, दुनिया भर से पहुंचे लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।